हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप ग्लैमर एसटेक लेने की सोच रहे हैं तो भाई ये ग्लैमर एसटेक है BS6 का OBD2 यानी फेज 2 वर्जन। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका नई ऑन रोड कीमत बताऊंगा, साथ में फाइनेंस वगैरह की स्कीम बताऊंगा, आप कितने रुपए डाउन पेमेंट में ये ले सकते हैं तो उसकी भी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में ROI क्या लगेगा, ROI का परसेंटेज क्या होगा, इसके बाद फाइल के चार्जेस कितने होंगे, ये सारी चीजों की बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर नई ऑन रोड कीमत की बात करें भाई तो 1,09,658 रुपए इसकी ऑन रोड कीमत है। अब इस प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता है, विथ एक्सेसरीज, विथ हेलमेट और RTO के जितने भी चार्जेस हैं, इंश्योरेंस मिल जाता है, 5 ईयर का इंश्योरेंस मिल जाता है, 1 साल का 0 डेप मिलता है, बाकी 4 साल का आपको थर्ड पार्टी मिलता है, 5 सर्विस आपको फ्री मिल जाती है, 70,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है 5 साल की, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। हीरो की जितनी भी गाड़ियां होती हैं भाई, सब में आपको 5 ईयर के इंजन की वारंटी मिलती है। भाई इस गाड़ी के डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो आज गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो देखना है रिव्यू वाली तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वहां मिल जाएगा, आप प्ले करके देख सकते हैं, सारी डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगी कि इस गाड़ी में आपको क्या चीजें मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज की ये वीडियो, अगर आप ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं भाई फाइनेंस पे, तो मैं आज जो स्कीम बताने वाला हूँ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का स्कीम है, और इस स्कीम के तहत अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं, ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया, तो 22,000 रुपए डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ेगी भाई। अब 20 से 22,000 रुपए होते तो सबके पास है, इससे कम पैसे में भी हो जाएगा, लेकिन ROI का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो 22,000 वाली स्कीम है भाई, ये सबके लिए है, A to Z, जिनका सिविल स्कोर ठीक नहीं है या फिर जिनका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा ठीक है तो उनके लिए कम भी हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सिविल स्कोर और इसके बाद प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। प्रोफाइल मींस जैसे कि जॉब करता है, सैलरी स्लिप आती है या फिर अपना बिजनेस है, बहुत सारी चीजें होती है ना अलग अलग कंडीशन में, लेकिन ये ROI आपको सब कोई को मिल जाएगा, चाहे स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो भाई, तो ये ROI की स्कीम आपको मिलने वाली है। अब अगर बात करेंगे कि ROI आपका कितना चार्ज होगा, तो 10.75% का ROI इसमें चार्ज हो रहा है। अगर बात करेंगे EMI की तो आपको 8,462 रुपए की 12 किस्तें देनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप 18 महीनों की EMI करवाना चाहते हैं तो आपको 6,981 रुपए की यानी 5,981 रुपए की 18 किस्तें देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप भाई 24 महीनों की EMI करवाना चाहते हैं तो 4,722 रुपए की 24 महीनों की किस्तें आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप 30 महीने के लिए EMI करवाना चाहते हैं तो आपको 4,004 रुपए की 30 किस्तें भरनी पड़ेंगी। और अगर आप 3 साल के लिए यानी काफी ज्यादा अफोर्डेबल EMI बनवाना चाहते हैं तो आपको 3,500 रुपए की 36 किस्तें देनी पड़ेगी। तो ये EMI की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट एक बहुत अहम चीज हो जाती है गाड़ी लेने के लिए। तो अगर आप दिल्ली सिटी से हैं तो आपके पास आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके बाद बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें ट्रांजेक्शन वगैरह थोड़ी सी बेटर लगेगी। इसके बाद चेकबुक है तो अच्छी बात है। अगर आप ATM यूज करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपकी EMI डिजिटल कर दी जाती है, जिससे जो पैसा होता है EMI का बहुत ही आसानी से बैंक वाले के पास पहुंच जाता है, ना तो कोई पेनल्टी लगती है और ना ही कोई आपका सिविल स्कोर पे इफेक्ट आता है। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इफेक्टिव वीडियो थी आपके लिए। अगर आप इसे लेने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी मेरी सोच के अनुसार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपका अपना भाई सुशील आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।